हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 11.5 पे हैं। यहाँ क्या रहा है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के फर्स्ट से देखते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग 17 नंबर तक देख लेते हैं। हम लोग इसे सपोज कर लेते हैं, लेट वाई इक्वल टू में एक्स टू द पावर एक्स इंटू रूट एक्स दिया है। आप इसे चाहे तो लिख सकते हैं वाई इक्वल टू में एक्स टू द पावर एक्स, और यहाँ पर हम लोग रूट एक्स जो है ना, इसको एक्स का पावर 1/2 कर देते हैं। अच्छा, लॉग यहीं पे ले सकते हैं या बेस बेस में, तो पावर को ऐड करके भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है ना जी, ठीक है, ऐसे भी ये ठीक रहेगा। यहाँ वाई इक्वल टू में हो जाएगा एक्स का पावर एक्स प्लस 1/2, और अब लॉग ले लो। यहाँ पे भी लॉग ले सकते थे, यहाँ पे भी ले सकते हैं। चलिए लिखते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, लॉग वाई इक्वल टू में हो जाएगा लॉग एक्स का पावर एक्स प्लस 1/2। तो बेस में ये जो है आप देख रहे हैं, ये पावर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे लॉग वाई इक्वल टू में आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 1/2, ये पावर नीचे उतर जाता है, और इंटू में लॉग एक्स। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं, चलिए देखते हैं। लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा 1/y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू में आपका लॉग एक्स प्लस प्लस, इसको ऐसे ही रख देंगे x प्लस का 1/2 और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। y को इधर ले जाएंगे तो dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में वाई इंटू में, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये अंदर एलसीएम ले लेते हैं, अंदर 2 एलसीएम होगा, 2x प्लस का 1 और ये x यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, और फिर प्लस का ये log x। चलिए अब यहाँ y का वैल्यू रख देते हैं, तो y का वैल्यू क्या था, तो y का वैल्यू यहाँ पे लिखे हुए हैं, y का वैल्यू क्या है जी, x का पावर एक्स प्लस 1/2, तो इसको रख देते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में एक्स का पावर एक्स प्लस 1/2 इंटू में 2x प्लस 1/2 में 2x और प्लस का लॉग एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके